गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास होगी बेसिकली वो फोकस्ड होगी जनरल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर केमिस्ट्री के अंदर, और कहीं कहीं ये फिजिक्स में भी आपके आएंगे ही। यहाँ पर जिन चीज़ों को मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ वो हमें पूरे 2 साल हमें यूज़ करना है। देखो केमिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। इन चारों चीज़ों के साथ लगभग हमें हर चैप्टर के अंदर ही एनकाउंटर करना है केमिस्ट्री के अंदर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। फिजिकल केमिस्ट्री का आप कोई भी टेम्परेचर उठाओगे, कोई भी टॉपिक उठाओगे फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें ये आपके एनरोल होंगे ही होंगे किसी ना किसी तरीके से, और इनके बारे में हमें हर तरीके की जानकारी होनी ज़रूरी है। सो लेट अस गो अहेड विद द टॉपिक। ये जनरल क्लास है, जनरल केमिस्ट्री की क्लास है, तो हम जनरल चीज़ों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो केमिस्ट्री का है, फर्स्ट चैप्टर आपके एनसीईआरटी में, उसमें भी आपको ये थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन हम इसको इलैबोरेटेडली पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड यूनिट कन्वर्जन। सो फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स और यूनिट कन्वर्जन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरा टॉपिक जो फोकस रहेगा इस चैप्टर के अंदर, हमारा फोकस रहेगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल के ऊपर, लेकिन हमें इसको समझने के लिए ये बेस क्वांटिटीज समझना जरूरी है। तो अगर आप देखें तो देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज जिसके बेसिस पे हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स डिराइव करते हैं। वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है हमारी? बेस फिजिकल क्वांटिटीज में आपकी सबसे पहली क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, ये हमको मालूम है। मास, मास को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल के स्मॉल जी। देन टाइम, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं पूरे फिजिक्स, पूरे केमिस्ट्री के अंदर, और जो इसका ऐसा यूनिट रहता है वो होता है सेकेंड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट जो है आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा यूनिट एम्पियर रहता है। देन उसके बाद अगली फिजिकल बेस क्वांटिटी हमारी कौन सी है? थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा यूनिट होती है केल्विन। दिस इज वन ऑफ दी क्वांटिटी जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे पूरे लेक्चर, हमारे जो सेशंस हैं ब्रिज कोर्स के उसके दौरान। देन अगला है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कैसे लेते हैं? मोल के टर्म्स में लेते हैं, इसकी ऐसा यूनिट मोल रहती है और एम ओएल से रिप्रेजेंट की जाती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम आई न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या रहता है? कैंडेला रहता है, सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यूनिट के बिना किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ 5, तो 5 क्या? आपको कैसे पता चलेगा 5 क्या है भाई? 5 कुछ भी हो सकता है। 5 तो 5 मीटर अगर मैंने लिख दिया तो 5 मीटर क्या होगा? लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। 5 सेकेंड तो सेकेंड क्या हो गया? टाइम हो गया। तो अब हमें पता चल रहा है कि 5 सेकेंड किसके लिए लिखा है? टाइम के लिए लिखा है। 5 एम्पियर करंट के लिए, 5 रुपीस, तो हमको पता चल रहा है कि हम मनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब तक हम यूनिट अटैच नहीं करते एक एंटिटी के साथ, एक क्वांटिटी के साथ, तब तक उस क्वांटिटी का हमको पता नहीं चलता कि क्वांटिटी बेसिकली है क्या, किस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। तो अब हम, जैसा मैंने बोला, मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो फोकस रहेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल के ऊपर। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसके ऊपर हम फोकस डाल रहे हैं वो है प्रेशर। प्रेशर इज रियली इंपॉर्टेंट। भाई प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई मान लो प्रेशर क्या है, अभी मान लो अभी मैं आज पहली क्लास ले रहा हूँ, बोल दूँ 100 प्रॉब्लम कर दी है आज, आ गया ना प्रेशर। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर आप देखो, प्रेशर हमारे सराउंडिंग में हर जगह पर प्रेशर का बहुत रोल है। इवन अभी जब जिस नेचर में, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है 1 atm, ठीक है। atm इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो 1 atmosphere के प्रेशर के अंदर हम रह रहे होते हैं। इस प्रेशर के वजह से ही हम इनहेल कर पाते हैं प्रॉपरली, हम सांस ले पाते हैं। बायोलॉजी के अंदर मैं पूरा नहीं जाऊंगा, बट अगर आप हाइट के ऊपर जाते हैं तो हाइट पर जाने से क्या कम हो जाता है? प्रेशर कम हो जाता है। और जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाएंगे, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर आप लोग कभी हाइट पर गए हैं, और नहीं तो आपको ये चीज़ पता भी होगी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमें क्या करता है? हेल्प करता है इनहेल करने में, एक्सहेल करने में। ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द बायोलॉजी, बट लेट अस टॉक अबाउट प्रेशर। अब प्रेशर के बारे में जो बेसिक आइडिया है वो आपको पता है, आप लोगों ने जो आपकी क्लास 8th, 9th, 10th इसमें प्रेशर पढ़ा है। प्रेशर का आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था। प्रेशर क्या होता था? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? प्रेशर मिल जाता है। अब यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया का एप्लीकेशन समझेंगे। ऐसा यूनिट क्या रहता है इसका? प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट है, ये हमें ध्यान रखना है।
ना प्रेशर के बारे में अगर बात करें तो देखो, आप अगर एक टमाटो, और टोमेटो को लेके आप क्या करो, अपने उंगली से काटने की कोशिश करो, कटेगा? ऑब्वियस है नहीं कटेगा, ठीक है ना। लेकिन वही आप क्या करिए, एक चाकू लीजिए और काटिए, बहुत ही स्मूथली कट जाता है। कारण आपने क्या किया, आप सेम फोर्स लगा रहे थे, आप उंगली से भी उतना ही फोर्स लगा रहे थे और आपके जो नाइफ है उससे भी सेम फोर्स ही अप्लाई कर रहे थे, बट नाइफ ने उसे बहुत स्मूथली कट किया और वहीं पे अगर आपने फिंगर से उसको कट करने की कोशिश किया तो हम उसको काट ही नहीं पाए। क्या चीज़ चेंज हुई दोनों कंडीशन में? फोर्स तो मैं सेम लगा रहा हूँ, चेंज हुआ प्रेशर। क्यों चेंज हुआ प्रेशर? फोर्स अगर सेम था तो क्या चीज़ चेंज हुई? नाइफ बहुत ही शार्प होता है तो हमारा एरिया जो है वो बहुत कम हो गया, और क्योंकि अगर हमारा एरिया घट जाएगा, एरिया बहुत कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, और इसी वजह से वो बहुत इजीली और स्मूथली टमाटो को कट कर देगा। अगर आप एक कैमल को देखें, कैमल रेगिस्तान में चलता है, भाई मैं कोटा से हूँ राजस्थान से, कैमल दिमाग में आ रहा है, तो कैमल जो है अगर आप देखें तो कैमल बहुत ही इजीली सैंड पे वॉक कर लेता है, रन कर लेता है, लेकिन क्या आप और मैं ऐसा कर पाएंगे? नहीं। कारण भाई, कैमल हमसे भारी है या हल्का है? कैमल तो हमने बहुत ज़्यादा वेट लेके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है नीचे, मगर स्टिल ही इज एबल टू रन ऑन दी सैंड एंड वी आर नॉट। वाई? क्योंकि उसका प्रेशर जो है वो बहुत ही कम है। कारण भाई, फोर लेग्स हैं और उसका अगर आप लेग देखें तो लेग जो होता है वो नीचे से खुल जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसका एरिया जो होता है वाइड स्प्रेड होता है, तो क्योंकि एरिया बड़ा हो गया तो प्रेशर, फोर्स क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाने की वजह से उसका प्रेशर क्या पड़ता है सैंड पे, काफ़ी कम पड़ता है, इसी वजह से वो वहाँ रन कर पा रहा है और हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो ऐसे कई सारे प्रेशर के एप्लीकेशन हैं, केमिस्ट्री में भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे आगे। प्रेशर के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस फिजिक्स क्लास के अंदर ही वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो प्रेशर क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब प्रेशर का सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। सो इट इज ओनली बेस्ड ऑन दी मैग्नीट्यूड, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो प्रेशर को डिसाइड कर रही हैं, और वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो है फोर्स और दूसरा है क्या, एरिया। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? अब अगर हम जनरली सोचें तो आज तक जो हम करते हुए आए, जैसे अगर मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोलते ही मेरे को दिमाग में आया कि भाई अगर मैंने मान लो एक 4 मीटर का ब्रेड्थ वाला रेक्टेंगल लिया और 5 मीटर उसकी लेंथ है, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 4 × 5 20 मीटर स्क्वायर। बट वी वॉट वी डिडेंट फोकस्ड अबाउट वॉज दैट एरिया इज एक्चुअली अ वैक्टर क्वान्टिटी। हमने आज तक सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे एरिया के, लेकिन एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। एरिया कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको आप बहुत ज्यादा इलेबरेशन में फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th में, गॉस लॉ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन भी 11th में है, वहां पे भी आप काफी ज्यादा डील कर रहे होंगे, मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एरिया का, तो और फिजिक्स मैथ्स के अंदर भी काफी सारा इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री में भी इस तरीके की जगह आएंगी जहां पर हमें एरिया के डायरेक्शन को डील करना पड़ेगा। तो एरिया का जो एरिया जो है वो एक बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब एरिया जो होता है वो बेसिकली दो सर्फेसेस, दो टाइप के सर्फेसेस के लिए निकाला जाता है। एक तो होते हैं हमारे ओपन सर्फेस। ओपन सर्फेस जैसे आप देखिए, ये बोर्ड ही है, रेक्टेंगुलर बोर्ड है, इसकी एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, ये एक ओपन सर्फेस है, ठीक है। अब ओपन सर्फेस का डायरेक्शन कैसा होगा, या रेक्टेंगल जो मैंने बना रखा है उसका डायरेक्शन कैसा होगा? ओपन सर्फेसेस का डायरेक्शन कैसा रहता है? बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्फेस। भाई ये ओपन सर्फेस है तो इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन, ये डायरेक्शन है, इधर ले लो या अंदर की तरफ ले लो, इस तरफ या अंदर की तरफ, कोई सा भी डायरेक्शन आप एक प्रॉब्लम में कोई सा भी डायरेक्शन चूज कर लेंगे परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ओपन सर्फेसिस के केस में, और उसके साथ स्टिक कर जाएंगे और उसी के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम के अंदर हमें इसको ऐसा करना है, वी विल स्टिक विद अ डायरेक्शन ऑफ द एरिया इन अ प्रॉब्लम एंड विल स्टिक टू दैट डायरेक्शन थ्रू आउट द प्रॉब्लम, नॉट थ्रू आउट द लाइफ बट थ्रू आउट द प्रॉब्लम, हम उस डायरेक्शन के साथ स्टिक कर जाएंगे उस डायरेक्शन के लिए, ठीक है, उस एरिया के लिए। तो अगर इसका डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड या इनवर्ड हो सकता है इस सर्फेस के लिए। तो कैसे लिखोगे इस एरिया को? एरिया कितना हो गया, 4 × 5, वो तो वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ वहीं पर है,
तो हमें पता है 20 मीटर स्क्वायर, लेकिन अब इसका डायरेक्शन कैसे? तो देखो डायरेक्शन किधर आएगा, ये आपका क्या है वाई एक्सिस है, ये अगर मैं कह दूं एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस आएगा, जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन किस एक्सिस पे होगा, जेड एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस पे कौन सा लेते हैं, के कैप, तो या तो प्लस के कैप या माइनस के कैप, कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं एरिया का डायरेक्शन बताते समय। तो एरिया को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करना चाहिए, प्लस माइनस 20 मीटर स्क्वायर के कैप इस बोर्ड के लिए या इस रेक्टेंगल के लिए। अगर सिमिलरली इसी प्लेन में, इसी बोर्ड के प्लेन में एक सर्कल ले लें, तो सर्कल का एरिया तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर वही रहेगा, रेडियस 4 मीटर की है तो पाई इंटू 4 होल स्क्वायर यानी 16 पाई मीटर स्क्वायर इतना ही रहेगा एरिया, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे ले सकते हो, अब यहाँ डायरेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो प्लस माइनस अगेन के कैप, क्योंकि मैंने एक्स और वाई प्लेन में सर्कल लिया हुआ है। अगर मैं रिंग ले लूँ, और ये रिंग देखो मैंने कैसे रखी है, बेसिकली ये रिंग रखी हुई है एक्स और जेड प्लेन में, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो बेसिकली एक्स और जेड प्लेन में ये क्या है आपका रिंग रखा हुआ है। तो अब इसका डायरेक्शन किधर आएगा, जैसे मैंने बोला परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो क्योंकि सरफेस ऐसे रखा हुआ है, रिंग ऐसे रखी हुई है, तो डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। और इस कंडीशन में इसका एरिया है तो सर्कुलर ही रिंग, तो पाई आर स्क्वायर एरिया वही रहेगा, रेडियस 4 मीटर है तो प्लस माइनस 16 पाई मीटर स्क्वायर। लेकिन अब इस कंडीशन में यहाँ पर डायरेक्शन हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, बेसिकली डायरेक्शन यहाँ रहेगा जे कैप, क्योंकि अब यहाँ पर एक किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड जेड एक्सिस है, क्लियर है। तो यहाँ पर एरिया क्या रहेगा, प्लस माइनस 16 पाई मीटर स्क्वायर जे कैप, ठीक है। क्लोज सरफेस अगर आप देखें, अगला जो टाइप ऑफ सरफेस है हमारा वो क्या रहता है, क्लोज्ड सरफेस रहता है। अगर क्लोज सरफेस की बात करें, तो क्लोज सरफेस किस तरीके के होते हैं, चारों तरफ से क्लोज। अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, एरिया तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है स्फीयर के एरिया क्या होते हैं, या सिलेंडर्स के एरिया क्या होते हैं, या क्यूबॉइड्स के एरिया क्या होते हैं, एरिया हमें पता है, जो हमें चाहिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। अब अगर क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के लिए डायरेक्शन कैसा होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल। अब आउटवर्ड नॉर्मल का मीनिंग समझते हैं, जैसे आप इस क्यूबॉइड को देखें, तो इस क्यूबॉइड का ये जो सरफेस है ना, ठीक है, या आप ये देखो ये क्यूब का फेस ही है, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल कैसा होगा, इस तरीके से बाहर निकलता होगा। इस वाले फेस के लिए कैसा होगा, इधर बाहर निकलता होगा। इस वाले फेस के लिए कैसा होगा, इधर बाहर निकलता होगा। ऐसे ही नीचे वाले फेस के लिए नीचे की तरफ, और सामने वाले फेस के लिए बाहर की तरफ, और पीछे वाले फेस के लिए अंदर की तरफ। तो ये आउटवर्ड नॉर्मल पोजेस करेगा डायरेक्शन। स्फीयर के अंदर कैसा होगा, हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ निकलता होगा, ठीक है। और ये जितनी भी लाइंस हैं, ये सब जाके कहाँ मीट करेंगी, स्फीयर के सेंटर पे मीट करेंगी। तो आउटवर्ड नॉर्मल में इसका डायरेक्शन रहेगा एरिया का। देन तो एरिया हमारी, हमने एक चीज एस्टेब्लिश कर ली, एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया निकालेंगे मैग्नीट्यूड उसी तरह, उन्हीं फॉर्मूलाज से, बस डायरेक्शन डिसाइड करते समय हमें ये देखना होता है कि ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है। इसको बहुत ज़्यादा एलैबोरेशन में आप पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। देन अगली जो हमारी क्वांटिटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, फोर्स। प्रेशर के अंदर दो क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट थी, एक था एरिया और दूसरा क्या है, फोर्स। अगर फोर्स की बात करें, तो बेसिकली फोर्स कैसे देखोगे, फोर्स क्या होता है भाई, आप जो क्या कर रहे हो, आप जो भी मतलब फोर्स लगा रहे हो, फोर्स कैसी क्वांटिटी है। फोर्स बेसिकली, अब अलग अलग तरीके के फोर्स हो सकते हैं, जैसे अगर मेरा वेट है, तो मेरा वेट लग रहा है ज़मीन पे, तो mg है, ठीक है ना। या अगर आप किसी चीज़ को पुल पुश कर रहे हो, तो वो ma हो जाएगा, ठीक है। तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, बट द क्वांटिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे निकलेगा, फॉर्मूलाज वही रहेंगे, उन्हीं लॉज से निकलेंगे जिस तरीके से पहले निकलते थे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमने क्या देख ली, कि फोर्स भी क्या है, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एरिया भी कैसी है, वेक्टर। तो अब प्रेशर के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी। और प्रेशर को आप लिख क्या रहे हो, फोर्स बाय एरिया। फोर्स भी वेक्टर और एरिया भी वेक्टर, तो प्रेशर स्केलर कैसे, इसको समझते हैं। तो क्या है प्रेशर भाई, प्रेशर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर बाय ए वेक्टर। तो अब क्या वेक्टर से वेक्टर काट दूँ, डंडे से डंडे कट गए, खत्म, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। देन दूसरा क्या हो सकता है प्रेशर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर।
देन प्रेशर ऐसे भी लिखा जा सकता है या ये भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ले फोर्स के लिए डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर, क्या ये प्रेशर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर, क्या ये फोर्स होगा, ओ प्रेशर होगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर, क्या ये प्रेशर होगा, इनमें से कौन सा प्रेशर है, या ये सारे करेक्ट है, क्या ये सारे करेक्ट है, नहीं। अब यही चीज़ें देखो क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। प्रेशर तो हमें बचपन से मालूम था, काफ़ी समय से मालूम था कि फोर्स बाय एरिया है, लेकिन फोर्स बाय एरिया ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को डीप में कैसे ले जाया जाता है, ऐसे लेके जाया जाता है, आपसे वही चीज़ पूछी गई है और सारे फॉर्मूले सेम है। अब इसमें से बेसिकली प्रेशर क्या है, तो प्रेशर बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया का मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। देखिए ये बोर्ड है, हाँ ये एक ओपन सरफेस है, एरिया है, इस एरिया के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स लगा सकता हूँ, कैसे, अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, समझ में आया, तो अब फोर्स पर यूनिट एरिया कैसे निकलेगा, ये मेरा फोर्स है और ये एरिया है, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स का कंपोनेंट या फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड लेना है और उसको डिवाइड करना है किससे, एरिया से, तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली प्रेशर मिलेगा। देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इस 2 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, तो अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर ही लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही लग रहा है डायरेक्टली, तो इस कंडीशन में प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स क्या है, भाई ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर ही है एरिया के, तो पूरा का पूरा 10 न्यूटन और एरिया कितना था 2, तो यहाँ पर प्रेशर कितना आएगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं पर मैं इस फोर्स को इस तरीके से एग्जर्ट करता हूँ, इसी 2 मीटर स्क्वायर के सरफेस पर मैं ऐसे एग्जर्ट कर रहा हूँ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, अब क्या यहाँ पर प्रेशर उतना ही लगेगा जितना यहाँ लग रहा था, नहीं, कम लगेगा, कितना लगेगा, तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, इस 10 न्यूटन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे इस एरिया के ऊपर, ये आपका एरिया है, इस एरिया के ऊपर देखो कि फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, कैसे निकाल सकते हो भाई, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, आपको इस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है, ये 10 है हाइपोटिन्यूस, ये बेसिकली क्या है, बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटिन्यूस को आप क्या लिखते हो, कॉस थीटा, तो आपके बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटिन्यूस कॉस थीटा, हाइपोटिन्यूस कितना था 10, तो 10 cos θ, थीटा कितना है 30, 10 cos 30 डिवाइडेड बाई 2, तो मैंने बेसिकली क्या लिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया फोर्स का किसके ऊपर, एरिया के ऊपर, और उसको डिवाइड किया एरिया से, तो क्या मिला, प्रेशर मिला। अब जैसे ये वाली प्रॉब्लम है, इसमें 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या इस 10 न्यूटन की वजह से इस 2 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, इस 10 न्यूटन की वजह से इस 2 मीटर स्क्वायर के एरिया पे कोई प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है क्या, ये बहुत अंडरस्टैंड करने वाली बात है, नहीं हो रहा भाई, इस ब्लॉक का खुद का कुछ मास होगा, उसकी वजह से कुछ प्रेशर लग रहा होगा, वो कि उसकी बात नहीं हो रही, ये जो 10 न्यूटन हम जिससे हम पुश कर रहे हैं इस ब्लॉक को, इस 10 न्यूटन की वजह से कोई इस एरिया के ऊपर कोई प्रेशर लगेगा क्या, कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा, कारण क्योंकि अगर आप इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे इस पे, तो क्या आएगा 10 cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो कोई बेसिकली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ही नहीं फोर्स का, और जब फोर्स ही 0 है तो उस कंडीशन में प्रेशर क्या लगेगा, नहीं लगेगा, तो इस वाले कंडीशन पे प्रेशर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम प्रेशर को ले रहे हैं तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर, इस तरीके से हम फोर्स प्रेशर निकालेंगे। अब देखो प्रेशर इतनी सारी तरीके से निकल सकता था, लेकिन एक्चुअल और सही फॉर्मूला क्या है, ये, और ये हमको आगे तक याद रखना, जैसा मैंने बताया था कि प्रेशर की SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसके कुछ यूनिट कन्वर्जन हमें पता होने चाहिए, क्या है वो यूनिट कन्वर्जन,
वन न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1.013 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। सिमिलरली दिस इज 1.013 बार, ठीक है, 1 atm 760 टॉर्क, सॉरी यहाँ पे 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं है, दिस इज ऑल्सो 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.013 × 10⁵ पास्कल, दैट इज इक्वल्स टू 1.013 बार, दैट इज इक्वल्स टू 1 atm, दैट इज इक्वल्स टू 760 टॉर एंड दैट इज इक्वल्स टू 760 mm of Hg, ये याद रखें, दैट्स